चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे 5.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का 12th क्लास का। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग को क्या टॉपिक्स है वो जरा समझते हैं। तो इसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ आईएफ है। आईएफ का फुल फॉर्म होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है। तो जनरली क्या लिखा हुआ है, जनरली वाई इज इम्प्लिसिट फंक्शन बट वाई इज नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो प्यारे छात्रों यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे पहचान करेंगे। प्यारे छात्रों इम्प्लिसिट फंक्शन किसमें होता है, जनरली वाई में होता है। यू बोले तो एक्स को छोड़कर, अल्फाबेट में एक्स जो होता है ना उसको छोड़कर और फिर अल्फाबेट का जितनी भी वैल्यू है, यानी कि अगर एक्स को छोड़कर ए बी सी डी ई एफ जितनी भी जो वैल्यू है वो सब सारे क्या है, तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन में आते हैं। यानी कि एक्स को छोड़कर जितने भी वैल्यू है वो सब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो अक्सर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली वाई जो है एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन बट वाई इज नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, लेकिन उस वाई को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें जनरली वाई के फंक्शन में मिलता है, जनरली वाई के टर्म में मिलता है, लेकिन उसको डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि उसको डायरेक्टली वाई के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, इट इज एक्सप्रेस इसको हम लोग डायरेक्टली किसके रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स के रूप में, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब जरा हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने तरफ से। जैसे यहाँ डी का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फॉलोइंग इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन दिया जाएगा और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है वाई, तो y है तो इसको अगर हमको x के रिस्पेक्ट में करना होगा तो इसको सीधा मीनिंग dy बटा dx लिखेंगे। यानी कि एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन था। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, तो x को छोड़कर अगर जो भी कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी टर्म्स रहेगा x को छोड़कर, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तब वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। चलिए और एक और एग्जांपल देते हैं। तो अभी थ्योरी हम लोग चल रहे हैं और थ्योरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लिखिएगा। एग्जांपल नंबर वन था, अब चलिए एग्जांपल नंबर टू को करते हैं। जैसे मान लिया कि y के जगह पे इस बार y स्क्वायर रहता, तब इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो डी वाई स्क्वायर बट्टा में क्या लिखेंगे। अब डी वाई स्क्वायर तो डी वाई स्क्वायर लिख दिया। अब आप समझो कि इसको किसके रिस्पेक्ट में ये फार्मूला पे आ सकता है, तो आधार क्या है y, तो यहां पे लिखेंगे dy और जितना से डिवाइड करते हैं उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी कि dy बटा dx। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, यानी कि x को छोड़कर जो वैल्यू रहेगा उसको अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो हमेशा dy बाई dx के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि dy स्क्वायर था तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, तो dy के रिस्पेक्ट में, और dy वाला नीचे जो चैन रूल बोलता है कि नीचे जो रहता है ऊपर, और dy बाई dx आ गया तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अच्छा मान लिया रहता कि तीसरा एग्जाम्पल 3y का क्यूब रहता, 3y का क्यूब, तब हम इसको कैसे लिखते हैं, तो डी 3y का क्यूब बटा, इसका दो टर्म्स है डायरेक्ट यहाँ पे dy बाई dx, तो हमको dx के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए आप जरा चीजों को ध्यान से समझिए, यहाँ पे फंक्शन हमें दिया था 3y क्यूब,
तो 3yq को डिफरेंशिएशन डायरेक्ट dx के टर्म में हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे y में फंक्शन दिया है, तो y में फंक्शन दिया है तो डायरेक्ट हम x के रूप में तो डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसको करने का एक तरीका है, वो है हमारे पास चैन रूल। तो हम लोग चैन रूल के माध्यम से एक तरीका अपनाएंगे। हालांकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, 3, तो 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, डी वाई का क्यू बटा। अब किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे कि ये फार्मूला पे बनेगा, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में कराएंगे, और फिर नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर बटा में डीएक्स। ऐसा करने से प्यारे छात्रों हम लोगों को यहां पे फार्मूला पे बन गया। तो ये तो 3 पहले से है और ये पावर जो रहता है बाहर आ जाता है, ये पावर बाहर आया इंटू आधार क्या है वाई। ये कब लिखते हैं, जब यहां आधार और उसके नीचे वही के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यहाँ y का पावर 3 है तो y के रिस्पेक्ट में है, यानी कि फार्मूला पे है। क्यों फार्मूला पे है, क्योंकि डी एक्स के पावर n बटा डी एक्स होता है, x का पावर जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में रहता है, तभी हम लोग यहाँ पे फार्मूला अपनाएंगे। तो 3y के पावर क्या, तो पावर में से एक घटाते हैं, तो 3 में से एक घटेगा, पावर क्या बचेगा 2, और इस dy बाई dx को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि आंसर आ जाएगा 3×3=9y² इंटू dy बटा dx। और यहाँ पे भी अधूरा है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है पावर 2, तो 2 आगे जाएगा और y के पावर कितना बचेगा, तो 2 में से 1 गया x इंटू dy बटा dx। यानी कि कुल मिलाकर हमें अगर इम्प्लिसिट फंक्शन रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा, अगर उसको हमको x के रिस्पेक्ट में अगर हमको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डायरेक्टली हम लोग x के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे उसको पहले देखते हैं कि वो किस फंक्शन में है। अगर वो पहले जिस फंक्शन में रहेगा पहले उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसको नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि चैन रूल जैसा उसको करना होगा। चैन रूल का फॉलो, जो चैन रूल बोलता है उसको फॉलो कराएंगे। चलिए 3 एग्जाम्पल के बाद आगे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल ये भी देख रहे हैं, इसको इस एग्जाम्पल को आप सभी थ्योरी वाले पेपर में आप नोट करिएगा। चौथा हम देखते हैं t²(4x²)3y। चौथा एग्जाम्पल इस तरह का है, t²(4x²)3y² ऐसे है। सबसे पहले प्यारे छात्रों हमें क्या करना है, ये सब पूरा का डिफरेंशिएट करना है, ये सब सारा का पूरा का डिफरेंशिएट करना है। तो पूरा का डिफरेंशिएट करना है तो पूरा का नीचे dx लिख सकते हैं, मतलब t²(4x²)3² बटा कौन सी dx। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग कि डायरेक्ट अगर कोई भी फंक्शन अगर प्लस में रहता है तो उसको हम लोग अलग अलग प्लस माइनस में रहता है तो तोड़ सकते हैं। तो ये टूटेगा क्या, dt²(dx), ये टूटेगा d²(4x²)dx), और ये टूटेगा d²(3y²)dx। अब आप एक बार बताइए, ऊपर t² है तो नीचे क्या है x, क्या ये सही है, यहां से डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ फंक्शन t है और नीचे आप दिए हैं x, इसलिए यहाँ नहीं हो सकता है। इसको लिखने का तरीका है dt², ठीक है, तो नीचे क्या लगाएंगे dt, क्योंकि ये फार्मूला पे तभी हो सकता है जब t रहेगा, और नीचे वाला dt को ऊपर ले जाएंगे और हो जाएगा, अब लिख सकते हैं dx। यानी कि कुल मिलाकर अगर t रहेगा तो आपको t ही लाने का प्रयास करना है, तब जाके फार्मूला पे बढ़ गया, और फिर नीचे वाला dt को dt/dx। अब ये चूंकि होगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे, dt और नीचे dx है तो ये तो नहीं हो सकता है ना, जैसे dy/dx कैसे छोड़ रहे थे लास्ट में, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस है प्लस देंगे, 4 को कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे तो ये तो फार्मूला पे आ जाएगा। जैसे ही 4 को बाहर निकालेंगे बच जाएगा dx²/dx। तो हम यहाँ जैसे ही 4 को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ बच रहा है dx²/dx। अब इसको चैन रूल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला पे है, जो dx²/dx यानी कि जो आधार है वही नीचे है, तो यहाँ पे कोई हमें चेंज नहीं करने का जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 को आगे ले आएंगे तो बच जाएगा dy²/dx
बटा डीएक्स लिखेंगे क्या? नहीं 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 डीएक्स नहीं लिखेंगे, यहां लिखना होगा डीवाई। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर है तो वाई रहेगा, और नीचे वाला डीवाई को मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, यही तो चैन रूल बोलता है। तो कुल मिलाकर अब जो हम आंसर लिखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, तो टू टी के पावर टू है बट्टा में टू है, तो टू टी हो जाएगा इसका डिफरेंसिएशन, क्योंकि पावर में है तो पहले आ गया, टी के पावर यहां दो है तो एक कम हो गया, इंटू डी टी बट्टा डीएक्स। इसको छोड़ देंगे, जिसका नहीं होता है नहीं हो सकता उसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर प्लस यहां फोर तो ऑलरेडी बाहर है, और जब टू बाहर आएगा तो फोर टू जा कितना हो गया एट, और एक्स के पावर कितना टू है तो वन, यानी कि इसको वन नहीं भी लिख सकते हैं। प्लस और ये थ्री तो ऑलरेडी बाहर है, जब इसका डिफरेंसिएशन करेंगे तो टू आगे आएगा, यानी कि थ्री टू जा सिक्स, और वाई के पावर यहां टू है तो यहां वन बचेगा, इंटू में लिख देंगे डीवाई बटा डीएक्स। तो ये रहा कुछ, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग उसको इसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए आगे हम लोग एक और सवाल लेते हैं, पांचवा नंबर एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल चल रहे हैं और सभी एग्जाम्पल को आप समझ समझ के नोट करिएगा। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इस पर दिया है 5x³ + 4x² + 4y² अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, जरा समझिएगा। अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करना होगा तो आसानी से इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है का मतलब क्या है, d के अंदर लिख दिया और बट्टा क्या dx। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो अगर वो डिफरेंशिएशन प्लस या माइनस में रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ते हैं। इट मीन्स अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में टूटेगा, माइनस है तो माइनस में टूटेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 5x³ / dx यहाँ प्लस d4y² / dx अलग अलग टूट गया। अब हम लोग आगे का रूल समझते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या dx³ / dx प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 को अगर अंदर है कांस्टेंट, इसको बाहर करेंगे तो बनेगा 4dy² / क्या, यहाँ तो dx है तो यहाँ dx लिखने से क्या हमें सहूलियत या बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो फार्मूला है उस पे आएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो बिल्कुल नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है यानी कि पावर वाला है। तो पावर का हम लोग समझते हैं कि जो आधार होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy और नीचे वाला जो dy है उसको ऊपर में dy और फिर dx लिखते हैं, और यही तो चैन रूल है। कुल मिलाकर बात वही हुआ, dy कैंसिल हो गया तो बट्टा में तो dx ही ना हुआ, हालांकि इसको हम लोग इसलिए किए ताकि ये फार्मूला पे बैठ जाए, और ये तो खुद ऑलरेडी फार्मूला पे बैठा हुआ है, यानी कि 5 ऑलरेडी बाहर है, और ये अगर x के पावर 3 है, नीचे x है तो 3 कहां चला जाएगा बाहर, तो 5 त्रिजा 15 और x के पावर कितना एक कर घटाकर करना है तो 2 प्लस ये ऑलरेडी 4 बाहर है, जब 2 भी आएगा बाहर तो ये हो जाएगा 8 और y के पावर कितना, तो यहाँ पावर 2 है तो एक घटा दिया जाता है तो y का पावर छोड़ देंगे और इंटू dy/dx। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने तरफ से अभी एग्जाम्पल कर रहे थे कि अगर कुछ इस तरह से एग्जाम्पल अगर हम लोग को रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसको इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब क्या, एक्स के अलावा और भी कुछ रहेगा, वाई टी पी में अगर फंक्शन रहेगा तब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग ये सीखे कि अगर
वाई के अलावा अगर कुछ और हमें फंक्शन रहेगा, वाई के अलावा कुछ और में फंक्शन रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको हम लोगों को करना पड़ता है एक्स के ही रिस्पेक्ट में, चाहे कुछ भी रहे। जैसे टी वाला क्वेश्चन था तो उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करने का प्रयास किए, तो उसी तरीके से यहां से हमें कोई भी क्वेश्चन अगर निकल के आएगा तो उसको भी हम लोग को करना होगा एक्स के ही रिस्पेक्ट में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए और भी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अलग अलग फंक्शन था, अब चलिए अगर इक्वेशन दिया रहेगा तब हम लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे करना होगा। अब हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। डिफरेंशिएशन यानी कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यानी कि कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इस बार लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया रहेगा और उस समीकरण से हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, डीवाई बाई डी एक्स निकालना होगा। चलिए अब अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो पहला क्वेश्चन है 2y plus 4x इज इक्वल टू 3x square। अब एक क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब रैखिक समीकरण है। अब कुछ लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन को विथ लीनियर इक्वेशन विथ इम्प्लिसिट फंक्शन, यहां पे पूरा सवाल लिख लीजिएगा, विथ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ x के अलावा और कुछ भी रह सकता है, तो बिल्कुल x के अलावा y भी है जिसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, तो जरा आप खुद समझिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है भाई। डिफरेंशिएशन का मतलब dy बटा dx, इसका वैल्यू निकालना है। तो जब अक्सर हमें समीकरण दिया हुआ रहेगा प्यारे छात्रों, जब समीकरण दिया रहेगा और तब हमें सवाल में बोलेगा कि आप डिफरेंशिएशन करो, तब हम लोग कौन सा रूल अपनाएंगे, कैसे उसको करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया कि एक समीकरण दिया है और हमें dy by dx का मान निकालना है, तो यहां पे आपको करना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी कि ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि इसको अगर करेंगे तो बनेगा d2y/dx, इसको करेंगे तो ये मिलेगा, इसको बनेगा तो d4x/dx, यानी कि दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में dx और dx सब में लगा देना होगा। यहां करेंगे तो d3x² / dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां तो 2 बाहर होगा, जैसे ही 2 बाहर होगा तो 2 को बाहर कर लिए और यहां क्या मिलेगा dy/dx, 2 को बाहर करेंगे तो dy/dx। तो जहां कहीं भी dy/dx आएगा उसको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि dy/dx का नहीं मान निकालना है, डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा था सवाल में, इसका मतलब क्या dy/dx निकालना है, तो इसलिए हम लोग dy/dx को वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए प्लस, तो प्लस करेंगे, अब 4 को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अब क्या बचेगा dx/dx इज इक्वल टू, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब 3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा dx² / dx। अब यहां क्या होगा 2dy/dx प्लस, आपको पता है ना कि dx और dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहां हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहां कितना होगा 3, और ये अगर पावर है और इधर आएगा तो हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6, और x के पावर कितना 2 है तो 1 घट जाएगा तो 6x बचेगा। और हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए हमें तो dy/dx का मान निकालना है, कुछ भी आया अभी तक डिफरेंशिएशन करके, तो डिफरेंशिएशन करना है का मतलब क्या dy/dx निकालना है,
तो अब इसको dy बाई dx का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 4 है उसको उधर राइट साइड भेजेंगे, तो यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 6x, और इधर वाला प्लस 4 है उधर जाएगा तो माइनस 4 होगा, और यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ 2 गुना में है ना तो भागा में हो जाएगा, तो 6x माइनस 4 भागा 2, 2 यहाँ गुना था इसलिए 2 को भागा कर दिए, इसलिए जो dy बाई dx आया वो क्या आया तो 2 से ये 3 बार में कटेगा, 2 3 6x माइनस 2 से ये 2 बार में कटेगा 3x माइनस 2 आंसर हो गया। यानी कि प्यारे छात्रों अगर कोई समीकरण दिया रहेगा और फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोलेगा, अगर कोई समीकरण दिया रहेगा और फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें जो निकालना है वो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई dx का वैल्यू जहां भी dy बाई dx होगा उसका वैल्यू निकाल देना है और बाकी सब सबको जितना भी है उसको राइट साइड भेज देना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हम लोग खुद एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन पड़ा हुआ है ऐसे ही एक्सरसाइज 5.3 में तो आप बिल्कुल उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को जरा समझेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि आप इसका क्या करो डिफरेंशिएशन करो यानी कि dy बाई dx निकालो, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप लिखेंगे इत्मीनान से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जब इधर करेंगे प्यारे छात्रों तो क्या मिलेगा d 2x बटा dx, यहां करेंगे तो क्या मिलेगा d 3y बटा dx इज इक्वल टू d sin y बटा dx, यानी कि कभी भी अगर समीकरण दिया रहे बराबर वाला क्वेश्चन रहे बराबर के कुछ इस साइड भी फंक्शन रहे उस साइड भी फंक्शन रहे और तब dy बाई dx का मान निकालना होगा तो हम लोग आराम से दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो अब यहां से क्या पता चल रहा है 2 को जैसे ही बाहर करेंगे तो यहां बच रहा होगा dx बटा dx, अभी हम लोग का स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं dx बाई dx, वरना अगर कुछ टाइम हो जाएगा तो डायरेक्ट ही आपको माइंड में सोचना होगा कि 2 को बाहर निकालेंगे तो बचेगा dx, और इसका वैल्यू ऑन होता है तो हम लोग डायरेक्ट 2 ही लिखते हैं यहां पे। खैर हम लोग का अभी स्टार्टिंग है तो जरा ठहरिए, प्लस अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कीजिएगा तो क्या बचेगा dy बटा dx, और जहां कहीं भी प्यारे छात्रों dy बाई dx आ गया उसको बिल्कुल टच भी नहीं करना, उसको छूना भी नहीं है क्योंकि हमें तो dy बाई dx का ही मान निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू अच्छा d sin y को क्या आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े होंगे d sin x का जो फार्मूला होता है x के रिस्पेक्ट में cosx होता है, इसलिए हम बोले तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे चैन रूल लगाएं, चैन रूल ये बोलता है कि आप साइन के बगल में कुछ भी है पहले उसके रिस्पेक्ट में कीजिए, तो dy यहाँ y है तो नीचे y कर दिए, और जितना से डिवाइड किया अपने खुद से, हम अपने dy अपने खुद से किए हैं ताकि ये फार्मूला पे बन जाए, यहाँ x तो cos x, यहाँ p तो ये cos p हो जाए, कि फार्मूला पे बनाने के लिए ऊपर वाला वही है क्योंकि क्वेश्चन में है, तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमको चेंज नहीं करना है, उसके बाद का सोचना है कि हम नीचे क्या कर देंगे ताकि ये फार्मूला पे बन जाएगा, तो नीचे में हम dy दे दिए तो फार्मूला पे बन जाएगा cos y हो जाएगा क्योंकि यहाँ यहाँ का दोनों का सेम वैल्यू होना चाहिए, अब नीचे वाला जो dy है उसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो बनेगा क्या dy बटा dx। चलिए अब आगे काम करते हैं, तो 2 और इसका वैल्यू आप समझ रहे हैं dx बाई dx का वैल्यू 1 तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बटा dx इज इक्वल टू
साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कब कोस होता है, तो यहां वाला और यहां वाला दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, साइन एक्स तो डी एक्स, साइन वाई तो यहां पे भी होना चाहिए डी वाई, तो कुल मिलाकर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस वाई इंटू अब क्या है डी वाई बटा डी एक्स। अब टोटली सवाल में देखा जाए तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने का मतलब यह है कि हमें dy by dx निकालना है, तो आप जरा समझिए कि dy by dx कहां कहां है, तो dy by dx यहां है और dy by dx यहां है, तो दोनों को एक तरफ कीजिए, यानी कि दोनों को एक तरफ करने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग जानते हैं ना कि अगर एक ही जाति का होता है उसको हम लोग एक तरफ ले जाते हैं, तो यहां रखिए फिलहाल 2 और dy by dx और dy by dx को एक तरफ कीजिए, तो यहां ये इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो बनेगा माइनस, यानी कि cos y dy by dx और माइनस ये उधर माइनस में जाएगा तो 3 dy बटा dx, और यहां पे हम लोग चूंकि dy by dx का मान निकालना है इसलिए जितना भी dy by dx है उसको कॉमन कर लेना है, तो dy by dx अगर कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा क्या cos y माइनस 3, और चूंकि dy by dx का वैल्यू निकालना है तो ये गुना हुआ ना इतना इतना तो गुना में हो गया, तो इधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 2 बटा में cos y माइनस 3, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि कुछ भी हालात रहे, क्वेश्चन कैसा भी रहे, हमें बस क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और जितना भी dy by dx है उसको एक तरफ ले करके और आपको कॉमन कर लेना है और उसको उधर ले जाकर डिवाइड कर देना, यानी कि कुछ भी हो क्वेश्चन में हमें जो काम करना है वो dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल अब हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन है, जरा सा एक मिनट बुक देख लेते हैं कि हम लोग का बुक का क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं बनेगा 5.3 का, तो जरा हम कुछ वर्क्स भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल बनेगा। आप अगर एग्री हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो प्यारे छात्रों हम जरूर बताएंगे इसको, हालांकि अभी जो होमवर्क में नोट करना है वो 1 से लेकर 5 तक, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का 1 to 5 तक के क्वेश्चन को करना है, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसको बनाएंगे बताएंगे। हालांकि जो भी हम लोग 5.3 का थ्योरी पढ़ रहे थे अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, थ्योरी खत्म अभी होने में 1 दिन का और वक्त लगेगा, हालांकि अभी तक के जितना थ्योरी में हम लोग सीखे हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सबमिट डिफरेंशिएशन करना है, जरा आपके पास थोड़ा सा अपना दिमाग होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वो फार्मूला पे बैठेगा, और फार्मूला पे बैठाकर उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो चलिए आज तक के क्लास को यहीं एंड करते हैं, अब अगले वीडियोज में मिलते हैं थ्योरी के साथ मैथ में ही। धन्यवाद।